हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो मॉर्निंग का टाइम है, लगभग 6:15 बज रहे हैं और मैंने सोचा कि ठंड सी लग रही है तो क्यों ना मैं अपना स्टॉल निकाल लूँ। मुझे वाकई में मतलब जो खाली खाली हाथ थे इन पे ना ठंड लग रही थी, रोंगटे से खड़े हो रहे थे, तो फिर मैंने निकाल ही लिया। बहुत देर तक तो मैं टाल मटोल करती रही। मैं उठ गई थी लगभग 6 बजने में, जब 10 मिनट थे, तो उसके बाद जो है हाथ मुंह धोया वगैरह किया, उसके बाद स्टॉल वगैरह ढूंढा। 5-7 मिनट तो बेड से उतरने में ही लग जाता है। एकदम ऐसा नहीं होता मेरे साथ कि आँख खुली और मैं बेड से पैर नीचे रख दूँ। मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, 10-15 मिनट बेड से नीचे पैर रखने में। तो दूध निकाला है फ्रिज से और मलाई का डोंगा निकाला है। मलाई खाली कर दूंगी डोंगे में और इसी में मैं दूध के पतीले में चाय बनाऊंगी अलग से, जैसे पैन में बनाते हैं ना उसमें नहीं बनाती हूँ। अगर दूध कम है मेरा दूध के भिगोने में तो मैं क्या करती हूँ, उसी में चाय बना लेती हूँ। तो मैं ना हाथ से चाय की पत्ती डाल रही हूँ आजकल, क्योंकि मैं चम्मच से ना ज़्यादा डाल देती हूँ, वो चाय काली हो जाती है। और मुझे तो पीने में अच्छी लगती है जो तेज़ चाय की पत्ती वाली चाय होती है, लेकिन विपिन को वो ज़्यादा पसंद नहीं आती है। उनको उतनी चाहिए जितना चलती है चाय की पत्ती। तो मैं हाथ से डाल रही हूँ, मुझे 4 बार डालने की आदत है, और 4 चम्मच डाल के फिर 2 जनों के लिए चाय बहुत ज़्यादा सी ना उनको लगने लगती है कि बहुत ज़्यादा तुमने स्ट्रॉन्ग बना दी, कड़वापन सा आ रहा है वो वाला। तो मैंने अदरक भी डाल दिया है और मैंने इसमें तुलसी जी का पत्ता भी डाल दिया है। उसके बाद मैं अपना 1 गिलास जो पानी पीती हूँ सुबह में खाली पेट, यहाँ पर मैं वही पानी पी रही हूँ। और ये पानी ना गर्म है ना गुनगुना है, ये बाल्टी में जो भरा होता है पानी वो पानी है। मैंने गर्म पानी भी पी रखा है और जो नींबू डाल के पीते हैं वो भी पिया हुआ है, शहद और नींबू। मुझे कुछ फ़र्क नहीं लगता वो सब पी के, बस मुझे इतना फ़र्क लगता है कि नींबू का खर्चा और बढ़ जाता है और कुछ नहीं है। मुझे ये वाला ठीक लग रहा है जो मैं बाल्टी से निकाल के पी रही हूँ। बाकी तो देखो अपनी अपनी सोच है, अपना अपना वो है। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा जो मॉर्निंग वॉक होती है वो अपने घर में ही कर लेती हूँ। कई बार अंदर बरामदे में कर लेती हूँ चैनल में, कई बार बाहर आके कर लेती हूँ। तो आज मैंने कहा, आज नहीं, मैं कल परसों भी बाहर ही आके घूमी थी और उसके बाद मैं थोड़ा सा अंदर बैठ बैठ ठीक करने गई। उसके बाद यहाँ पर मैं कर रही हूँ परांठे बनाने की तैयारी, क्योंकि गुड्डू रानी भी उठ चुकी हैं, वो अपना नहाना वगैरह कर रही तो हैं। मैंने सोचा कि चलो जल्दी से पराठे बना के रख देती हूँ, हॉट पॉट में रख दूँगी, अपना जो है गर्म ही रहेंगे। और तन्मय को भी पूछूँगी वो भी खाएगा क्या, क्योंकि वो आजकल ले लेता है, लेकिन वो लेता है सब्जी को देखकर। अगर उसने वो सब्जी रात वाली बची है जो चाव से खाई है तो वो ज़रूर खाता है, और सुबह भी अगर अच्छी सब्जी बन गई है तो वो तब भी खा लेता है। तो आज तो जो है रात की सब्जी रखी हुई है, आलू टमाटर जो बनाए थे उसी से होगा। और ऐसे ही चलता है मेरे घर में, अगर रात की सब्जी बची है तो उसी से सुबह का नाश्ता हो जाता है। और यहाँ पे जो है ये लोग जा चुके हैं, बर्तन वगैरह जो भी हुए हैं उनको मैं साफ़ कर रही हूँ। बर्तन इतने हैं ही नहीं क्योंकि रात को मैंने छोड़े ही नहीं। रात को बर्तन छोड़ो फिर सुबह के बर्तन हो तो फिर बहुत ढेर लग जाता है, और अगर हाथों हाथ करते रहो तो फिर बर्तनों का ढेर नहीं लगता है। तो थोड़े से ही बर्तन हुए थे चाय वगैरह के, और हाँ मेरे पास एक मैसेज आया था कि रश्मि तुम एक बार तवे को कैसे साफ़ करती हो वो दिखाना। तो देखिए ये ईंट ली है मैंने, ईंट का टुकड़ा, और उससे मैं तवे को घिस रही हूँ, जो जूना होता है बर्तन मानने का, या फिर आप स्पंज बोलते हैं जो भी बोलते हैं, उसमें ले लीजिए ईंट को और इस तरीके से उसको रगड़िए, और फिर बीच में मैं तवे को धो रही हूँ। और मैंने देखा कि वो बीच में से फिर भी काला है, तो मैं उसको फिर दोबारा उसी जगह से ईंट से रगड़ रही हूँ और अच्छे से मैं इसको साफ़ कर लूँगी, बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा। आप जब भी दिन में इसको यूज़ करें, बनाएं इसमें पराठा रोटी वगैरह, इसको इसी तरीके से साफ़ करें, ये कभी गंदा नहीं होगा। फिर मतलब वो जमता जाता है ना, काला काला हो जाता है, फिर वैसे नहीं होगा। उसके बाद मैं अंदर आई, झाड़ू लगाने से पहले मैंने सोचा ये प्रेस के कपड़े आए हैं रात, तो इनको लगा देती हूँ। और मेरे भी कुछ सूट्स वगैरह रखे हुए हैं इधर उधर, उनको भी सेट कर देती हूँ एक जगह, और साड़ियाँ भी रखी हुई है। तो मैंने कहा सारी चीज़ों को मैं सेट कर देती हूँ। मैं ऐसे ही करती थी पहले भी, जब मेरी हाउस हेल्पर नहीं आती थी सुबह के टाइम में, जो भी मुझे इधर उधर काम दिखते थे कुछ भी छोटे मोटे से, उन्हें मैं करती भी चलती थी। या मुझे अलमारी समेट ना हुआ, ड्रेसिंग समेट ना हुआ, जो भी मुझे लगता था कि ये गंदा हो रहा है इसको कल करना है, तो मैं झाड़ू से पहले कर दिया करती थी। आजकल क्या होता है, हाउस हेल्पर आते हैं तो फिर हम जो है शाम को करते हैं ये वाले काम। तो अभी जो है मैं नहा चुकी हूँ, सारा काम मैंने कर लिया है, झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ, लेकिन मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि कल भी मैंने आपके साथ शेयर की थी अपना क्लीनिंग का, तो मैंने कहा अच्छा नहीं लगता है रोज़ मैं आपके साथ वही चीज़ शेयर करूँ। तो अभी मैं नहाकर भी अपने लिए 1 कप चाय बना रही हूँ, ये भी आ चुके हैं गुड्डू को लेके। लगभग यहाँ पे टाइम होगा 12:15 का। तो यहाँ पे ये पनीर लाए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज मैं थोड़ा सा पनीर को फ्राई करके चाय के साथ पनीर फ्राई वाला ले लूँ, नमक डाल के हल्का सा,
थोड़ा सा ना जो जीरा वगैरह डाल लो तो और अच्छा लगता है, भुना हुआ जीरा वगैरह, लेकिन मैंने डाला ही नहीं। तो चाय भी हमारी लगभग देखिए बनकर हो चुकी है तैयार, तो मैं चाय पीती हूँ। बिंदी ब्लैक नहीं चाहिए, नहीं नहीं ब्लैक नहीं चाहिए। आजकल होंठ फटने लगे हैं, मौसम चेंज हो रहा है, हाथ पैर भी सूख के हो जाते हैं। कौन सी लगा रही है? ग्रीन ग्रीन क्यों दिख भी नहीं रही? वो तो ये वाली गोरे रंग पे अच्छी लगती है। तू मेरे को पर्पल ला, ये दे दे डार्क से कलर की। हाँ रेड दे दे, ये तू लाई थी क्या? हम पिछली बार नहीं लगती है आपके बर्थडे पे। चल ठीक है, तेरे लिए लगा लेती हूँ फिर। डार्क कलर ठीक लगता है यार। ऑरेंज लगाई, ऑरेंज नहीं है, रेड लगाई है मैंने। तो नहीं रेड लगाई है मैंने, वैसे कैमरे में भी ऑरेंज ही आ रही है, ये कैमरे में ऑरेंज आ रही है। सवा तीन होने वाले हैं, दोपहर का टाइम है, बच्चे ट्यूशन जा चुके हैं, मैं सोना नहीं चाहती तो इसीलिए मैं भी थोड़ा सा बाहर जा रही हूँ। अगर मैं सो जाऊँगी तो फिर मेरा कुछ भी करने को दिल नहीं करता है। और मैं बताऊँ, मैंने ना मावा निकाला था, शनिवार को निकाला था, पहला नवरात्रा वीरवार को था और शुक्रवार को मावा निकाला था कि शनिवार को मिठाई बनाऊंगी। अभी तक तो बनाई नहीं है, मावा बना हुआ रखा है फ्रिज में। शनिवार को क्या हुआ था कि मासी और आ गए थे, मासी और मतलब बहुत लेट आए थे वैसे तो घर पे, लेकिन उनका फ़ोन आ गया था 6:30 बजे सी। तो फिर थोड़ा सा वो है कि कोई आया है और आप किचन में लग रहे हो, अच्छा नहीं लगता है। और संडे को वैसे वो चले गए थे, लेकिन संडे में क्या हुआ ना, मैं कीर्तन वगैरह में चली गई थी, फिर वहीं बैठ गई भाभी के पास उधर, फिर रात को लेट आई कल, फिर नहीं बना पाए। आज मंडे है, अब मंडे में आज देखती हूँ, रात को बनाती हूँ, कल तो बनाना ही है। वैसे कल तन्मय का रिजल्ट भी है, रिजल्ट भी देखने जाना है मंगलवार को, कल 12 तारीख को। पता नहीं व्रत में बन भी पाएंगे कि नहीं भी बन पाएंगे। सोचा था कि अच्छी लगती है मुझे बर्फ़ी, लेकिन उस बर्फ़ी में थोड़ा सा रिस्क रहता है कि परफेक्ट बनेगी कि नहीं बनेगी। जो होती है पंजीरी, जिसको नारियल पाक भी बोलते हैं शायद, मावा डाल के बनती है गोला कस के, और मखाने भी डालते हैं, काजू बादाम जो मर्जी डालूँ, लेकिन मैं उसमें स्पेशली सिर्फ मखाने डालूँगी और मावा और चीनी। तो अब देखती हूँ आज बनती है, कल तो बनानी बनानी है। देखती हूँ, मैं भाभी की तरफ जाती हूँ, अगर वो फ्री हैं तो अभी बन जाएगी, वरना तो फिर कल या फिर रात को जब विपिन आएंगे, क्योंकि उसमें ना थोड़ी सी मैं कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ, हाथ पैर से फूल जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है खैर, पर फिर भी मेरे को थोड़ा सा उसको बनाते हुए डर लगता है ख़राब ना हो जाए चीज़ें। तो मैं थोड़ा सा जाती हूँ बाहर और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में, देखते हैं कब मिलती हूँ आपसे भी। लगभग शाम के 5 बज रहे हैं और बच्चे भी ट्यूशन से आ चुके हैं, और मैं तो काफ़ी देर पहले आ गई थी घर पे। मैंने इस बीच सोचा भी था कि चलो मैं बर्फ़ी बनाना शुरू करती हूँ, लेकिन वही जैसे कि मैंने बताया कि थोड़ा सा हाथ पैर फूल जाते हैं उस बर्फ़ी को बनाने में। पेड़े हो या कुछ और मिठाई हो तो मैं बना लूँगी, लेकिन इस वाली बर्फ़ी को बनाने में थोड़ा होता है मुझे। तो ये सब्जी वगैरह जो लाए थे वो मैंने साफ़ करके रखी है, जैसे हरी मिर्च को डब्बी में करके रख दिया, टमाटर को धो के रख दिया, अब ये पालक है तो इसको मैं यहाँ पे साफ़ कर लूँगी और देखती हूँ कि मैं इस पालक से क्या बनाती हूँ। और पालक व्रत में खाते हैं कि नहीं खाते ये भी समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मम्मी ने मना किया और मासी बोल रहे थे कि खा लेते हैं, धनिए की तरह ही तो होती है ये। तो अभी मैं कन्फ्यूज़ हो गई हूँ, तो देखते हैं क्या करते हैं, पालक का मैं खाती हूँ कि नहीं। और गुड्डू पढ़ रही है, ट्यूशन से आती बैठ गई थी क्योंकि उसको होमवर्क बहुत ज़्यादा मिला हुआ था, तो वो अपना जो है यहाँ पे बैठ के पढ़ाई कर रही है। और तन्मय तो उसको तो कहना पड़ता है, वो तो इधर उधर खेलता रहता है, उसको बोलो तब वो पढ़ता है, वो मेरे पीछे पीछे रहता है, देखो जहाँ मैं वहाँ तन्मय, और उसकी बातें तो कभी ख़त्म ही नहीं होती हैं। और हाँ, एक दो कमेंट ये आ रहे थे कि तुम बहुत कंजूस हो, मेहमानों को खाना अच्छे से नहीं देती हो, ये है वो है।
तो मैं एक बात बता दूं कि मासी और उन्होंने खुद मुझे मना किया था, और उनका मुझे पता भी जो है 6:30-6 बजे के करीब चला था कि वो लोग आ रहे हैं। मतलब मासी का ही फ़ोन आया था, वो पास में आए हुए थे, तो मैंने सोचा भी था कि चलो विपिन से बोल देती हूँ ये ले आओ वो ले आओ बना लेते हैं फटाफट, कुछ टाइम नहीं लगता है। लेकिन मासी ने बोला कि नहीं रात में हम सिंपल ही खाना खाएंगे, बस सब्जी रोटी, हमें कुछ तामझाम में मत लगना। और दूसरी चीज़ देखो, ये मुझे यहाँ पे क्लेरिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ तो मासी हो रही है, जो भी मेरे घर आते हैं उनको पता है कि मैं किस तरीके से उनका वेलकम करती हूँ, किस तरीके से उनके साथ रहती हूँ। मैं अपने किसी भी काम पर ध्यान नहीं देती हूँ जब मेरे घर कोई आता है, तो क्योंकि मुझे यही रहता है कि ये आए हैं इनको टाइम देना है, इनके साथ अच्छे से रहना है, बात करनी है, तो मुझे नहीं लगता। मतलब जो लोग आते हैं उनको अच्छे से पता है, खुद मासी और जैसे आते हैं वो बोलते हैं यार तू अपना काम ही नहीं करती है, तू सिर्फ हमें टाइम देती है, तेरा काम रुकते हैं, तो प्लीज़ इस तरह की बातों को वो ना किया करें। और यहाँ पे जो है मैंने तेल चढ़ा दिया है कढ़ाई में, जीरा डाला है, हरी मिर्च डाली है और मसाले डाल दूँगी, गैस बंद कर दिया ताकि मसाले जल ना जाएँ, नमक हल्दी और लाल मिर्च धनिया पाउडर ये सारे मसाले डालूँगी। मैंने बहुत सोचा कि पालक खाऊं ना खाऊं, फिर मेरे मन ने बोला कि रहने दे मत खा, क्योंकि एक तरफ कोई हाँ कह रहा है एक तरफ कोई ना कह रहा है, तो उस बीच में फंसी हुई थी, तो मैंने जो है फिर नहीं खाया। मैंने ये इन लोगों के लिए बनाया है इसीलिए मैंने इसमें हल्दी डाल दी है, क्योंकि व्रत में हल्दी नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर मैंने आलू पालक जो है मसाले में डाल दिया है और इसको मिक्स कर दूँगी अच्छे से, और पालक तो इतना पानी छोड़ता है अपने आप ईज़िली आराम से जो है आलू गल जाएंगे, कम ही रखे हैं मैंने आलू, क्योंकि जो पालक है कुछ के जरा सा सा हो जाएगा, तो यहाँ पे इसको मैंने मिक्स कर दिया और अब मैं इसको ढककर छोड़ दूँगी, बीच बीच में चेक कर लूँगी जल्दी बन जाएगा। ये देखिए लगभग 4 से 5 मिनट बाद मैंने इसको चेक किया तो काफ़ी हद तक ये हो गया था, थोड़ी देर और रखूँगी इसको ढक के, उसके बाद मैं इसको बंद कर दूँगी गैस को, क्योंकि ये लगभग हो ही गया है, कोई एक आधा आलू लग रहा था जिसमें कसर हो, तो अच्छा लग रहा है देखो देखने में भी ना। इसमें हम पनीर भी डाल सकते हैं, मैंने बनाई थी एक बार सूखी पालक पनीर की सब्जी भी। रोटी इस्लाबाद मैं सिर्फ अपने लिए ना रोटी इस्लाबाद था और फिर आपको कोई शैम्पू नहीं मिलता। अच्छा क्या मैंने वो जिसके ऊपर रिंग होती है ना उसके पंख होते हैं और वो एक गोरे सूट में होते हैं उसकी बात मान ली, और उसके बाद नांगा जिसके बाद बुराई का त्रिशूल था और उसकी भयानक पूछ थी और उसके बाद मांगना था, बस मैं ही अच्छा नहीं होता, फिर मम्मी मुझे अच्छा नहीं मानती। मम्मा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, अगर मैं उसके बाद मांगता तो मुझे सिर्फ मिलता। तुम्हारा रिजल्ट अब दोनों का 13 को है और 14 और 15 को छुट्टी है। हाँ, हाँ? और ना अगर मैं उसी नहीं मैंने अभी भी देखी है ना। अरे मम्मी स्टार्ट करो वीडियो। क्यों और बनानी है? मम्मी आपको आ रहा। चल अच्छा तो चला दी। अगर मैं अच्छा ही बात मानता ना तो अच्छा हो, अच्छा ही है, अब उसी बात मान लेता तो बस मैं मम्मी मुझे सोचती कि मैं आज के बाद उससे कुछ भी नहीं मंगाऊंगी। ख्याल से घंटा भर से लाइट गई हुई है, अभी तक नहीं आई है, मेरी आंखें कैसी हो रही हैं। देखो दीदी कब से पढ़ रही हैं। मैंने पालक भी काट लिया, धो भी लिया, जब साफ करने बैठी थी तब से वो अपना होमवर्क कर रही है। तो मैं नाम बदल देना। नाम तो मैं अभी बदल दूंगी तेरा, ठीक है ना? तो तू भी काम कर जब दूंगी, पहले अपना काम कंप्लीट कर, लाइफ स्टोरी पढ़ाती हूँ जो पढ़ाई गई है। तो जब से वो बैठ के पढ़ी रही है, जब से मैं पालक साफ करने मतलब ट्यूशन से आई, जब से अपना होमवर्क कर रही है और अभी तक मिला है और मुझे कम मिला है। तो एक जिम्मेदारी होती है ना कम या ज्यादा मिलने की। कल 2-3 घंटे होंगे हमारे पास। आज नहीं दिख रहे आपको जो आज टाइम है। गेम नहीं ले लेना मेरे से पूछ के, परमिशन लेके फोन को हाथ लग ना 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 ना। तो अभी थोड़ी देर में बैठ जाती हूँ, सब्जी वगैरह सब मैंने छोंक दी है, मैंने जोत भी लगा दी है, मैंने दूध उबाल दिया है, मैंने सब्जी बना दी है, मैंने आटा गूंद दिया है, बस थोड़े से बर्तन है, मैंने कहा सब्जी खाली करूंगी ना। जब पता मम्मी किसी से बात कर रही हो ना
तो बीच में बोलने वाले बच्चे ना बहुत ही गंदे वाले होते हैं। मम्मी बचा दो ना। आपके बारे में बोलूंगी, आप बीच में बोले तो फिर सब बोलेंगे। हाँ तो सब कुछ कर दिया है, बस अपने लिए सोच रही हूँ कि क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, वो समझ में नहीं आ रहा है। सामक के चावल भी हैं, मैंने मंगाए थे, एक बार बना भी चुकी हूँ मैं सामक के चावल की खिचड़ी। तो मैं सोच रही हूँ क्या सामक के चावल की खिचड़ी मैं बना लूँ, लेकिन वो लौकी डाल के आलू डाल के अच्छी लगती है, तो लौकी तो नहीं है। तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ क्या नहीं बनाती हूँ। इन लोगों का तो मैंने कर दिया है, मेरा भी हो ही जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। और कढ़ाई मैं अभी खाली कर दूंगी, बर्तन भी मान दूंगी, बाद में जो खाने पीने के होंगे वो रात को सोते टाइम बन जाएंगे। मैंने सोचा आप लोगों से बातचीत कर लेती हूँ और इस वीडियो को, अभी देखो 8:30 बजे, अंधेरा, फुल ऑन अंधेरा, जो कि वो 6:38 हो रहे हैं ना, 6:00 मतलब इतने टाइम पे इतना अंधेरा हो रहा है। मतलब इस टाइम गर्मियों में मतलब धूप रहती थी, मतलब वो दिखा रहे हो ना बदतमीजी, मतलब दिखा रहे हो ना, फिर मैं वीडियो बंद करके आपको एक थप्पड़ लगा दूं ताकि। और हाँ मैंने ना सिर्फ बाल कटवाने की बात बोली थी कि मैं बाल कटवा लूँ क्या, मैं नवरात्रों में नहीं जा रही हूँ बाल कटवाने। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तुम नवरात्रों में जा रहे हो, तो मैं ना अभी नहीं जा रही हूँ, सोते हैं। मेरे को भी ऐसे ही हो रहा है, मेरे भी सर भारी भारी हो रहा है, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा है खाना खाने का। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, कल फिर मिलेंगे आप सबसे, क्या पता कल मीठे से शुरुआत हो वीडियो की। अब देखते हैं विपिन आ जाएंगे तो या तो बर्फी आज बनेगी या कल बनेगी, क्योंकि अभी तक तो मुझे चाहिए एक जना उसमें साथ में ना एकदम से, ताकि मम्मी को बुला लेना। तो चलो बाय बाय, कल मिलते हैं। बाय 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 बाय।